सुनवा गया। अभी हम लोग पहुँचे हैं हमारी कुलदेवी श्री उमिया माता के मंदिर पर। यहीं पर रूम रखे थे, यहाँ पर रूम की व्यवस्था है खाने पीने की तीनों टाइम की। ये है हमारी कुलदेवी श्री उमिया माता। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बजे, सब रेडी होकर अब निकल रहे हैं यहाँ से। हेलो 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 फ्रेंड्स, केंचो जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग पहुँच गए हैं वांडाय और आज है मेरे भाई की सगाई। सारे रिश्तेदार यहीं पर इकट्ठा हुए हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं विथोन। बताओ बताने धीरे 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 बस में अभी रेडी नहीं हुई है। मैं देखे, मैं ज्यादा वो नहीं किया है, बस सिर्फ अच्छी वाली कुर्ती मुझे पसंद की पहन ली है। फ्रांसी को वैसी को लेना है पर वैसी को नहीं जाना है। मंदिर में गए थे दर्शन करने, दर्शन कर लिए, सब बुला रहे हैं, फटाफट से बात रहे हैं। चलिए आप जो तो वैसी को नींद आ रही थी पर चूली ने उठा लिया है। ये है मोना भाभी और उनके हाथों में है शगुन का गुड़, जिससे नेहा ने बहुत ही अच्छे से बनाया था। मतलब जो इसका शेप है वो नेहा ने रात को जाकर बनाया था, एक बार ख़राब हो गया उसने फिर से बनाया, तो बहुत ही मस्त से गढ़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और यहाँ पर सबने मिलकर उसे डेकोरेट करा था। अब ये सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे सगाई को, लेकिन मैं बैठी थी यहाँ पर वैसू को झुला रही थी। वैसू को भी नींद आ रही थी फिर भी सोना नहीं था, तो वो चिल्ला रही थी। और यहाँ पर एक साइड देखिए सगाई की जो रस्में थी वो सब शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले थी सुपारी विधि, तो जूली के हाथों में है सुपारी, नियाणी होती है वो देती हैं, तो जूली ने मेरे चाचा जी को दे दी और मेरे चाचा जी ने अपने समधी जी को। यहाँ पर ये सारी विधि चल रही है और बाकी सब लोग तो स्टेज पर थे, लेकिन वैश्वी की वजह से मैं, नेहा और मेरी बुआ की बेटी पल्लवी तीनों नीचे ही बैठे हुए थे, तो हमारी तो यहीं पर विधि चल रही थी सब ऐसे ही। तो अब देखिए जो सुपारी थी वो समधी से होकर फिर सब जो लोग घरते हैं ना, जो सारे रिश्तेदार, उन सभी के पास इस तरीके से एक के बाद एक जाती है। मतलब कि इस सुपारी का ये मीनिंग होता है कि जो समधी है उन्होंने हाँ बोली है इस रिश्ते के लिए, और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी भी हाँ है, तो सब लोग इस सुपारी को आगे आगे पास करते जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे ये मौका मिल गया था कि मैं ही लेकर गई थी सभी के पास सुपारी। तो ये है मेरा भाई जिसकी है सगाई, और ये है हमारे होने वाले भाभी। अब सगाई की विधि आगे शुरू हो चुकी है। और ये है मेरे चाचा चाची, ये मेरे चाचा का बेटा है, लेकिन हम सब लोगों में ये बहुत ही अच्छी बात है कि चाचा का बेटा सगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग सगे भाई बहन की तरह ही रहते हैं। वैश्वी मासी के साथ आइसक्रीम खा रही है। वैश्वी वैशो केविचे बांटा जा रहा है शगुन का गुड़, तो चलिए आप भी ले लीजिए, हमारे भाई की सगाई हुई है।
सगाई की विधि हो गई है कंप्लीट। तो मेरे परिवार के सब जो बड़े हैं वो जा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने। तो पहले गए थे मेरे मम्मी पापा अभी अभी, लेकिन ये मेरे बड़े पापा बीच में आ गए हैं तो ठीक से दिखा नहीं पाई मैं। अभी आ गए हैं मेरे बड़े चाचा और चाची, छोटे चाचा, मतलब कि हमारा सारा परिवार एक के बाद एक जो भी हम लोग आए हैं वो सब आते जाएंगे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद के साथ साथ फ़ोटोशूट भी चालू था, तो जैसे जैसे जो भी आते जाते थे तो साथ साथ में फ़ोटोशूट भी हो रहा था। तो अब आ गए थे मेरे बड़ी बुआ का परिवार और उसके बाद आए हैं दीना बुआ और उसका फैमिली पूरा। तो इसी तरीके से सब बारी बारी आते गए थे और सभी का फ़ोटोशूट भी हो रहा था। दीना बुआ के बाद आए थे मेरे तीनों भाई। सबसे पहले था मेरा भाई भव्य, उसके बाद था उज्ज्वल बीच में और लास्ट में था शुभम। अब आती है बच्चा पार्टी की बारी। तो मामी जी को गिफ्ट देने आ गए हैं सभी भांजे भांजी जो भी था। सब लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रहे थे कि कैसे कहाँ पर सेट करें। गिफ्ट तो दे दिया पर अब सबकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी और सबकी सेटिंग मुश्किल से जैसे तैसे हो गई तो वैसे रह गई थी। तो बाद में भाभी में मोना भाभी लेकर आए वैश्वी, तो वैश्वी को कहाँ बिठा ये सब सोच रहे थे। हमारा फोटो शूट करवा लिया है, अभी खाने का हो चुका है स्टार्ट यहाँ पर, तो अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे तो।
बहुत ही ज़्यादा एंजॉय और गपशप करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे वांडा, जहाँ पर मेरे मम्मी हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए थे जो कि मेरा भाई मुझे दे रहा था, क्योंकि मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई थी और उसकी पहली सैलरी आई थी, जिससे उन्होंने हम सभी बहनें और हमारी बुआ के लिए ये उमिया माँ की चांदी की मूर्ति ली जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और हमने हमारे भाई को ढेर सारे आशीर्वाद दिए कि वो और भी ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करे। सो गाइस, सगाई में से हम लोग घर वापस आ गए हैं और मेरा थोड़ा सा गला बैठ रहा है, जैसे पता नहीं गले में खिचखिच हो रही है। और आके ही तुरंत मैंने पहले तो कपड़े चेंज कर लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैकिंग, तो पहले तो हम पुराने घर पर जा रहे हैं, कुछ सामान वहाँ पर निकाल के रखा है, बहुत सारा सामान है वहाँ पर भी खाली करना है क्योंकि वो घर भी रेंट पर देने वाले हैं अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाड़ी पर हमारे रिश्तेदार के, और जो सामान एक्स्ट्रा है कुछ ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पर रख देंगे, उन्हें यूज़ करना होगा तो करेंगे, जो कुछ भी करना है मतलब कि डोनेट करना है, कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो भी दे देना है। तो चलिए हम लोग जाते हैं, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पुराना वाला घर जो नेहा भरत का है, बहुत मस्त हो गया है, एकदम मस्त सारे घर के अंदर बीच में एकदम मस्त से चमक रहा है, क्योंकि अभी अभी उसे नया पेंट करवाया है तो एकदम मस्त लग रहा है। तो मैं वहाँ पर जाऊँगी तो आपको वो क्लिप डाल दूँगी, अब अभी आप लोग देख लेना। वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड और स्टार्ट करते हैं सारा काम अभी फटाफट से। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।